हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मऊगंज। तो मध्य प्रदेश में 53वां जिला मऊगंज को बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मऊगंज के बारे में पूरा देखेंगे कि ये कौन से संभाग और डिवीज़न में आता है और विधानसभा की सीटें क्या है और भी बहुत सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मऊगंज मध्य प्रदेश राज्य के रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और जो इसका संभाग है, डिवीज़न है, वो भी रीवा है। पहले मऊगंज को मऊ राज के नाम से जाना जाता था और राजपूतों के सेंगर कबीले ने यहाँ पर 11वीं शताब्दी में राज किया था। मऊगंज रीवा से अलग होकर बना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि मऊगंज रीवा जिले के अंदर आता था, तो अब मऊगंज मध्य प्रदेश में 53वां जिला बनने जा रहा है और वो रीवा जिले से अलग होकर बनेगा। 2013 में इसकी मांग की गई थी और सरकार ने इसे बनाने की घोषणा 4 मार्च 2023 को कि इसके अंदर दो विधानसभा सीटें हैं, मऊगंज और देवतालाब। मऊगंज 4 तहसीलों से मिलकर बना है, जिसमें प्रेजेंट में 3 तहसीलें हैं, जिसका नाम है मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देवतालाब, जो आगे जाके नई तहसील बनाई जाएगी। मऊगंज बनने के बाद रीवा संभाग में डिवीज़न में टोटल 5 जिले हो जाएंगे, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज शामिल है। मऊगंज नॉर्थ और ईस्ट साइड से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को टच करता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसका नाम बहुटी वाटरफॉल है, वो अब मऊगंज के अंदर आएगा, जो पहले रीवा जिले के अंदर आता था, जिसकी हाइट है 198 मीटर, जो सेलर नदी पर स्थित है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग।